नमस्कार दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज 13 जून 2019 संपूर्ण शिक्षा जगत के समाचार देख लेते हैं। जिले के 6 महाविद्यालयों में 4200 सीटों के लिए आए 2500 आवेदन। आर्थिक आधार पर कमजोर वर्ग के तहत सिर्फ खेतड़ी में 3 आवेदन आए। झुंझुनू आरयू में 1989 से 2018 तक के शोध छात्र संघ अध्यक्षों का होगा सम्मान। जयपुर नीट काउंसलिंग का संभावित शेड्यूल जारी, 19 जून से शुरू होगी पहले राउंड की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया। कोटा यूजीसी वेतनमान ले रहे रिटायर्ड प्रोफेसर लेक्चर्स के लिए 7वें वेतनमान में पे फिक्सेशन के आदेश। जयपुर एमए फाइनल में प्रवेश के लिए 26 तक शुल्क। करौली जेडब्ल्यू एडवांस कल जारी होगा, जेडब्ल्यू एडवांस का परिणाम बढ़ सकती है आईआईटी की सीटें। कोटा रेलवे पैरामेडिकल पदों के लिए 10 जुलाई से कराई जा सकती है परीक्षा, अंतिम स्टेटस अपलोड। जयपुर केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने दिए निर्देश, जयपुर रीजन में केवी में शिक्षकों के खाली पड़े 350 और नवोदय विद्यालय के 176 पद जल्दी भरे जाएंगे। जयपुर सपोटरा के गोपीपुरा में महाविद्यालय शुरू, शीघ्र ही विज्ञान संकाय भी खुलेगा। सपोटरा करौली व सवाई के 10वीं बोर्ड में 75% मार्क्स वाले छात्र भी होंगे सम्मानित, आवेदन आज। गंगापुर सिटी बीए फर्स्ट ईयर में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन 15 जून तक। करौली बीएड कॉलेजों में व्याख्याताओं के नेट पीएचडी होने की अनिवार्यता हटवाने की मांग उठाई। चिड़ावा मदरसों के आधुनिकरण के लिए कार्यशालाओं का होगा आयोजन। झालावाड़ 10वीं बोर्ड रिजल्ट में देरी से केंद्रीय स्कूल में प्रवेश से चूके राजस्थान बोर्ड के विद्यार्थी। बांसवाड़ा पालनहार योजना के 20,000 लाभार्थियों को नहीं मिल रहा भुगतान, पढ़ाई का खर्चा तक बंद। डूंगरपुर ग्राम पंचायतों पर लगेगा बीटीए के सपनों का फोटो फ्रेम। नागौर सुविधा गोविंद गुरु में कड़ा मुकाबला, गर्ल्स कॉलेज में सीटें खाली। जिले के 3 कॉलेजों में 885 सीट बढ़ने से 4,415 विद्यार्थियों को मिल सकेगा प्रवेश, अब तक 5,075 आवेदन। बांसवाड़ा डीईओ को धमकाने और डराने वाला शिक्षक नेता निलंबित। बांसवाड़ा इग्नू पाठ्यक्रम के लिए ऑनलाइन प्रवेश प्रारंभ। धौलपुर एम्स एंट्रेंस दिल्ली के भाविक टॉपर, कोटा से टॉप 10 में 5। कोटा 6D काउंसलिंग में अनियमितता, मंत्री की डिजायर के कारण दे दी राहत। बांसवाड़ा शिक्षा से वंचित रही बालिकाओं और महिलाओं ने पास की 10वीं की परीक्षा। बीचीवाड़ा शाला दर्पण पर ऑनलाइन फीडिंग में डूंगरपुर संभाग में अव्वल। डूंगरपुर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर विद्यार्थी करे नाम रोशन। मीना आईपीपी कर्मचारी ने साथियों के साथ हिमालय की 14,000 फीट ऊंची सरपास चोटी पर गाया जनगणमन। रावत भाटा सरकार ने सीटें बढ़ाई लेकिन अभी 45% ही आवेदन आए। भरतपुर शिक्षा सेतु ऐप से अब घर बैठे ले सकेंगे कॉलेज के कोर्सों के साथ सीटों और फीस की जानकारी। धौलपुर खेराबाद ब्लॉक के प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं की सूची जारी। बरवी दीक्षांत समारोह के लिए 5 लेक्चरर प्रतिनियुक्त पर। भरतपुर एम्स टॉप 10 में कोटा कोचिंग से जुड़े 9 छात्र। जयपुर गृह जिले में जाएंगे शिक्षक, सैकड़ों टीचर्स को मिलेगा लाभ। रीट शिक्षक भर्ती 2018 आज जारी होगा जेडब्ल्यू एडवांस का परिणाम। कोटा शिक्षक संघ ने शिशु अस्पताल में बांटी ठंडाई। धौलपुर विज्ञान संकाय खुलवाने की उठने लगी मांग, विभिन्न समस्याओं को लेकर सौंपा ज्ञापन। जालौर विद्युत प्रसारण निगम में 15 को अनुकंपा नियुक्ति। जयपुर करौली कॉलेज प्राचार्य स्थानांतरण के बाद भी नहीं हुई रिलीव। करौली जोधपुर 29वें पायदान पर स्कूलों में सुविधाओं के आधार पर मिली रैंकिंग। जोधपुर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए 21 जून तक करना होगा आवेदन। कोटा सहकारी संस्थाओं में शीघ्र होगी भर्ती। जयपुर यूएम ने शुरू किया बीबीए व एमबीए का एकीकृत पाठ्यक्रम। जयपुर राजस्थान विश्वविद्यालय अधिकतम 6,500 जनसंख्या के आधार पर होगा ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन। जयपुर
नीट की ऑनलाइन काउंसलिंग का शेड्यूल जारी। कोटा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर 21 जून को सभी सरकारी स्कूलों में होगा योग कार्यक्रम। जोधपुर, 7 परियोजनाओं के आंगनबाड़ी केंद्रों का होगा पुनर्निर्धारण। परिसीमन के लिए 29 तक मांगी और जानकारी। अजमेर, बीएससी द्वितीय और फाइनल का परिणाम घोषित। राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर, अगले सप्ताह जारी होंगे सीटेट के प्रवेश पत्र। अजमेर, रिटायर कॉलेज शिक्षकों को मिलेगी बढ़ी हुई पेंशन। जयपुर। तो दोस्तों, इतिहास के राजस्थान के संपूर्ण शिक्षा जगत के समाचार। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।